લાઈન માં બેઠેલો અને સુભાષ ચાટવા છે એ બીજી લાઈન માં એટલે સુભાષ બોલે છે હવે એને નથી કહ્યું કે ડોન્ટ ડુ એનીથિંગ ટુ હિમ એટલે પછી સાહેબ ગુસ્સે થઈને ક્યાં ગયા પછી એટલે અને પછી હું આ બાજુ સી આટલે મેં તો સારું કંઈક તો કરવું પડે ને આપણે પ્રેઝન્ટેશન એટલે કંઈક રિસ્પોન્સિબિલિટી કરી એટલે કંઈક ઉભો થઈને પછી હું કંઈક કરવા ગયો એટલે પછી ત્યાંથી બધું શાંત પડ્યું અને પછી હું ને સુભાષ ગયા મિસિસ બેસ્ટ પાસે બિગ ટીચર ને પાછા અને બીજા આપણે એક ભટ્ટ સાહેબ હતા એમને આપણે One thing he did not introduce regarding his wife, which I want to tell you, that he insisted her, she was MD gynecologist, but he said that I am MD orthopedic, so both of us cannot do the emergencies, so better you do MD pathology, so that we can manage the house. And she insisted she will be staying to you. खुशियां और हंसी पर न मिले, गम जब भी बढ़ चले आपकी ओर, खुदा करे उस रास्ते में हम मिले और आपका दिन हम मिले। मे गॉड ब्लेस यू, मे ऑल ऑफ यू बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। ही टॉट अस हाउ टू रियली होल्ड अ ब्रश अ पेंसिल इन आवर हैंड अगेन। हमारा ड्राइंग करने का नजरिया बदल गया एंड विदाउट बिना डांटे चौर अब तो सर थोड़ी एज हो गई है हम लोग की ओर काफी टोनी है बट वेरी हैंडसम एट द टाइम यूज टू वॉक लाइक अ स्टिक एंड ही वाज हिमसेल्फ अ ग्रेट पर्सनालिटी यूज टू मूव इन अवर लाइव्स नहीं नहीं इसमें ऐसा नहीं इसको थोड़ा ऐसे बना दो विजेंद्र इसको ऐसे ऐसे कर दो सच नाइस पर्सन आज कल ऐसे नहीं चले मिलते सर इट्स एन ऑनर टू हैव यू टू ब्रिंग योर क्रिएटिविटी एंड ही ऑलवेज इंस्पायर्ड इन डूइंग दिस वर्क टू ब्रिंग क्रिएटिविटी इन अस और आप लोगों की जो सोच थी वो आज हम लोगों के कण कण में बस गई है और उसी सोच से हम अपने बच्चों को अपने परिवार को आगे ले जा रहे हैं थैंक यू वेरी मच सर डीडी दलवी सर का जो नाम अभी आया तो मुझे भी एक बात याद आ गई जब भी हमको समय मिलता तो हम बहरामपुरा जाते और बहरामपुरा में जो दाल उड़ा के जा रही है 500 ग्राम खा जाते हैं तो अब तुम जान गए हो कि डीडीडी 3D फिर एक बात और याद आती है कि केले की लारी पर खड़े रहते थे तो एक डजन केले लेते थे और उसमें मैं तो दो तीन खाता था बाकी के सब खा जाते थे और फिर एक बात एक स्टूडेंट की आती है बहुत करके झा था आजाद
उसको मैं जब भी मारता तो हंसता ही रहता था। वो मुझे बहुत याद आता है कि दूसरे तो रो पड़ते थे मगर वो हंसता ही रहता था कितना भी मारो।